A very good morning students, and with this a warm welcome you all in Shanti Kunj online classes. Here I'm just going to teach you chapter 5 of SST class 3, in which we will discuss about history of Delhi, its climate, tourist attraction, children's attraction, festivals and local transports. So let's start our content students. स्टार्ट और कंटेंट स्टूडेंट, आज का देखिए हमारा चैप्टर है बच्चों दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली एंड इट्स लोकेशन, दिल्ली और इसकी जो लोकेशन है कि ये कहाँ पर स्थित है. ठीक है, और इसका स्थान, दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पे है बच्चों. द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. जो ऑफिशियल आधिकारिक नाम है दिल्ली का वो क्या है कि हम इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं इसे. एंड इट हैज अ मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट, इस महानगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 16.3 लाख है. ठीक है, इट्स एरिया इज 1484 किलोमीटर एंड ऑल द मेन ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड हियर. सारे जो मेन कार्यालय होते हैं, ठीक है, जो भारत के, वो सारे कहाँ पे होते हैं, दिल्ली में है. जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है एंड ऑफिसेज ऑफ फॉरेन एम्बेसीज. जो विदेशों की जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज आपकी क्या होती हैं, दूतावास. ठीक है, वो भी यहाँ पर स्थित है. और दिल्ली शेयर्स इट बॉर्डर, दिल्ली जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ ईस्ट में एंड विद हरियाणा ऑन द अदर थ्री साइड, तीन साइड से हरियाणा के साथ शेयर करता है. एंड हिस्ट्री, अब देखिए हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में, कि द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज एज ओल्ड एज द एपिक महाभारत. जितना कि ये महाभारत एपिक जो महाकाव्य है पुराना है, उतनी ही जो दिल्ली का इतिहास पुराना है. क्योंकि इसका जो नाम है, द टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ, ये जो शहर है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. वेयर द पांडवाज यूज टू लिव, जहां पे जो पांडवाज है वो रहते थे. इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल जो शासक थे शाहजहां, उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया. इन द ईयर 1830 में द सिटी केम अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासक जो थे उनके, अंग्रेजों के उसमें आ गई, अंडर में आ गई दिल्ली. एंड द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल, और ब्रिटिश ने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी, कहाँ पे, कोलकाता से दिल्ली में. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, स्वतंत्र होने के पश्चात 1947 में जो दिल्ली है वो आधिकारिक रूप से डिक्लेयर हो गई भारत की राजधानी. और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश. नेक्स्ट है देखिए क्लाइमेट, जलवायु कैसी है अब यहाँ की. दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिल्ली का बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मीन्स टू से चरम पे होती है कोई भी जैसे मौसम है कि जहाँ यहाँ ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी समुद्र से दूरी के कारण. दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है समर में, गर्मियों में, और बहुत ज्यादा ठंड होती है विंटर में, मीन्स सर्दियों में. हॉट एंड ड्राई विंड्स, गर्म और सूखी जो विंड है वो ब्लो होती है, बहती है, कब, मई और जून में, जिसे हम लू कहते हैं. एंड इट रेन्स हियर, और यहाँ पे बारिश कब होती है, जुलाई और सेप्टेम्बर में. नेक्स्ट है देखिए टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि बाहर से आते हैं टूरिस्ट, ठीक है, उनके अट्रैक्शन का केंद्र क्या है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र. यहाँ पे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है ना, लाल किला है, हुमायूं टॉम्ब है एंड जंतर मंतर है. वर्कशॉप प्लेसेस लाइक बिरला मंदिर, पूजा के स्थान जो है जैसे बिरला मंदिर है, जामा मस्जिद है ना, अक्षरधाम टेम्पल है, लॉर्ड टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल है जो कि कृष्ण जी का है, दिल्ली में है, जो कि शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि क्या बताते हैं, द कम्युनल हार्मनी ऑफ द ग्रैंड सिटी. जो शीशगंज गुरुद्वारा स्पीक्स अबाउट द कम्युनल हार्मनी ऑफ द ग्रैंड सिटी, इस भव्य सिटी की, भव्य शहर की
जो सौहार्द्य है उसके बारे में बताता है, जो शीशगंज का गुरुद्वारा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। द ताजमहल इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ यमुना इन दिल्ली, राइट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली हैज अ मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ 16.3 मिलियंस, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है।